केरल में हुए पंचायत इंतखाब में एलडीएफ का जलवा बरकरार है। असेंबली इंतखाब से ठीक पहले तीन मरहलों में हुए पंचायत इंतखाब में बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया था। हालांकि ताज़ा खबरें मिलने तक ग्राम पंचायत की 941 सीटों में से एलडीएफ ने 500 से ज़्यादा सीटें जीतने के करीब है, जबकि यूडीएफ 350 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इस बार एनडीए थोड़ा बेहतर करते हुए 20 से ज़्यादा सीटें जीत रही है, जबकि 32 सीटों पर आज़ाद या दीगर उम्मीदवार कब्जा करते नजर आ रहे हैं। तकरीबन यही हाल ब्लॉक पंचायत, म्यूनसिपालिटी और कॉरपोरेशन का भी है, जहाँ एलडीएफ उम्मीदवारों का जलवा बरकरार है। रियासत में हुए गोल्ड स्मगलिंग जैसे मामलों को लेकर यूडीएफ और बीजेपी को कुछ बेहतर करने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल आवाम की पहली पसंद एलडीएफ ही नजर आ रही है। वाज़ेह हो कि साल 2015 में हुक्मरान जमात बाया महाज ने 549 ग्राम पंचायतों, 90 ब्लॉक पंचायतों और 44 नगर पालिकाओं और नगर निगमों में जीत हासिल की थी, और जिला पंचायत सतह पर यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को 7-7 सीटों पर जीत मिली थी।